स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम राउटिंग टेबल्स ओके इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया कि राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे बताया था जैसे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने बार बार बात की थी राउटिंग टेबल्स की जैसे कि एक प्रोटोकॉल था ई आई जी आर पी ठीक है एंड एक प्रोटोकॉल था ई जी पी इन दोनों प्रोटोकॉल्स में हम लोगों ने राउटिंग टेबल की बात की थी ठीक है कि राउटिंग टेबल्स यूज होते हैं या नहीं होते हैं ये सब चीज़ें तो एग्जैक्टली राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं ठीक है सो द फंक्शनिंग ऑफ अ राउटर डिपेंड्स लार्जली अपॉन द राउटिंग टेबल स्टोर्ड इन इट ठीक है सो जो भी राउटर्स होते हैं राउटर्स हम लोगों ने यूज किए हैं ठीक है तो जो भी राउटर्स होते हैं उनकी जो भी फंक्शंस होते हैं जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो फुली डिपेंड करते हैं राउटिंग टेबल पे ठीक है द राउटिंग टेबल स्टोर्स द अवेलेबल रूट्स इट स्टोर्स अवेलेबल रूट्स अवेलेबल रूट्स फॉर ऑल डेस्टिनेशंस फॉर ऑल डेस्टिनेशंस ठीक है जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो कि थी राउटिंग प्रोटोकॉल्स पार्ट टू उस वीडियो में ये वाला टाइप यूज़ किया था ठीक है ये वाला एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल ये यूज़ किया था तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन में सोर्स से डेस्टिनेशन पे जब डेटा जाता है लेकिन सिस्टम में जो राउटर है वो डेस्टिनेशन को नहीं ढूंढ पाता है तो वो क्या करता है पूरा राउटिंग टेबल उसे नहीं दे देता है वो क्या करता है सिर्फ जो उस वाली पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है सिर्फ वही वो दूसरे राउटर को देता है ठीक है so, सो यहाँ पे यही बात है कि जो राउटिंग टेबल है वो अवेलेबल रूट्स जो होते हैं उसकी डेस्टिनेशन को फॉलो करता है अब एक सिस्टम है इसके लिए बहुत सारे टास्क हम लोगों ने पहले से फिक्स करके रखे होंगे ठीक है एंड हर एक टास्क जो है वो स्टोर होता है एक टेबल पे, ठीक है वहाँ पे उस सिस्टम का एड्रेस भी होता है आईपी एड्रेस भी होता है प्रॉपर डेस्टिनेशन जो हम कह सकते हैं उसका एड्रेस होता है ठीक है तो अगर हमें एक चीज़ में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग पूरी फाइल ही किसी दूसरे को दे देंगे ठीक है अब मान लीजिए हमें किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये है ना कि अगर नहीं वो सॉल्व हो रहा है तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर के अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे अपने टीचर के पास जाएंगे ये तो है नहीं कि पूरी डायरी उठा के दे देंगे कि हाँ जी देख लो ये है हमसे नहीं हो रहा ठीक है तो यहाँ पे यही चीज़ होती है ठीक है तो राउटर द राउटर कंसल्ट द राउटिंग टेबल टू डिटर्मिन द ऑप्टीमल रूट थ्रू विच द डेटा पैकेट्स कैन बी सेंट ठीक है तो कभी भी राउटर यूज़ करते हैं सोर्स से पैकेट जाता है डेस्टिनेशन पर ठीक है तो यहाँ पे हमेशा राउटिंग टेबल से ही ये राउटर पूछता है कि कहाँ पे डेस्टिनेशन है कौन सा बेस्ट पाथ रहेगा इस तरह से हर चीज़ राउटिंग टेबल में ही स्टोर होती है ओके so a routing table typically contains some entities okay it contains some entities so these entities are first one is ip addresses and subnet mask ip addresses and subnet mask of the nodes of the nodes in the नेटवर्क ओके सो यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस तो हम लोगों ने कहा ही था कि जो डेस्टिनेशन सिस्टम होता है उसका आईपी एड्रेस पहले से ही सोर्स सिस्टम के पास होता है जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ठीक है मान लीजिए मैं अपने घर से किसी अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ तो अगर मेरे पास उसका एड्रेस हो गया मैं तभी घर से निकलूँगी ना ऐसे तो है नहीं कि निकल गए और पता है नहीं कहाँ जाना है है ना एड्रेस होगा या कोई भी लैंडमार्क होगा तभी हम लोग पहुँचेंगे वैसे ही यहाँ पे डेस्टिनेशन सिस्टम का आईपी एड्रेस अगर पहले से होगा एंड उसका सबनेट मास्क होगा नोड्स नोड्स का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी कंप्यूटर्स को नोड्स भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये दोनों एंटिटीज़ हैं सेकेंड पॉइंट इज आई पी एड्रेस ऑफ द राउटर इन द नेटवर्क ठीक है आई पी एड्रेस ऑफ द राउटर पहला तो था कि जो डेस्टिनेशन सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए सेकंड है कि राउटर जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसका आईपी एड्रेस भी होना चाहिए आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक होता है आईपी एड्रेस यूज़ करने का ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ अगर मैं डेटा पैकेट्स को भेज रही हूँ ठीक है लेकिन जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचा ही नहीं या फिर हमें पता करना है कि कहाँ से होके आ रहा है हमारा पैकेट डेस्टिनेशन पे जो पहुंच ही रहा है लेकिन कौन से रूट से आ रहा है वो सब चीजें हमें पता लग सकती हैं राउटर के आईपी एड्रेस के थ्रू ठीक है थर्ड इंपॉर्टेंट एंटिटी इज इंटरफेस इंफॉर्मेशन इंटरफेस इंफॉर्मेशन अमंग अमंग नेटवर्क डिवाइसेस अमंग द नेटवर्क डिवाइसेस एंड चैनल्स ठीक है तो हम लोग कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं मतलब वायर्ड सिस्टम के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या वायरस वायरलेस के थ्रू हो रहा है ठीक है और कितनी डिवाइसिस बीच में आई जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बीच में कोई डिवाइसेस का लिंक था या नहीं था वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं और ये सब चीज़ें स्टोर होती हैं राउटिंग टेबल में ठीक है ये तीन एंटिटीज़ हैं ये तीन चीज़ें हैं जो हमेशा राउटिंग टेबल में होनी ही चाहिए अगर ये तीनों चीज़ें होंगी उसके बाद ही प्रॉपरली क्या हो सकता है डेटा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पर ट्रांसमिट हो सकते हैं एक्यूरेटली ओके ठीक है तो ये जो तीन थी ये, ये थी एंटीडीज आप लोगों को ये याद रखना है ठीक है बेसिक सी चीज है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ राउटिंग टेबल बेसिक से टाइप्स है इसमें राउटिंग टेबल के ठीक है फर्स्ट टाइप है स्टैटिक राउटिंग टेबल एंड नेक्स्ट है डायनामिक राउटिंग टेबल ठीक है स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी ठीक है तो इन केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग टेबल द राउटर्स आर फेड मैनुअली एंड आर नॉट रिफ्रेश ऑटोमेटिकली दीज आर नॉट रीफ्रेश ऑटोमेटिकली ठीक है इसमें जो पहले से चीज़ें स्टोर कर देंगे वही फिक्स रहेंगी इसमें बाद में चेंजेस नहीं हो सकते ठीक है ऑटोमेटिकली चेंजेस नहीं हो सकते हैं एक बार जो चीज़ एंटर कर दी वो फाइनल हो गई ठीक है इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क जनरली फॉर टू टू थ्री राउटर्स ठीक है सिर्फ दो या तीन राउटर्स होंगे या चार पाँच इतने से राउटर्स होंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेटिक टाइप को यूज कर सकते हैं ठीक है डायनमिक में क्या होता है दिस टाइप ऑफ राउटर कम्युनिकेट्स विद अदर राउटर्स यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स ये तो सिंपल सी चीज़ है कि कभी भी राउटर की बात करते हैं तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि एक तो जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमेशा यूज़ होते हैं एंड एक राउटिंग टेबल हमेशा यूज़ होता है ठीक है सो so, यहाँ पे भी ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है टू डिटमेन द अवेलेबल राउटर्स और टू डिटर्मेन द अवेलेबल रूट्स ओके इट इज सुटेड फॉर लार्ज नेटवर्क हैविंग लार्ज नंबर ऑफ राउटर्स ठीक है लार्ज नंबर ऑफ राउटर्स अगर हम लोगों ने यूज़ करने होंगे तो हम लोग डायनामिक यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसमें चेंजेस हो भी सकते हैं मान लीजिए पहले नेटवर्क में हमारे पास पंद्रह बीस पंद्रह से बीस कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ठीक है उसके बाद हमें इन्हें बढ़ाना है तो वो तीस से चालीस भी हो जाएंगे दैट इज़ डायनामिक दैट इज़ चेंजेबल कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं एंड इसकी और भी चीज़ें जो होती हैं वो सेटअप वगैरह वो सब चेंज कर सकते हैं बट स्टैटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता स्टैटिक में जब सेटअप हो रहा होता है इस सिस्टम का उस टाइम पे जो जो चीज़ें फिक्स कर दी वो चीज़ें फिक्सड ही रहती हैं उन्हें हम लोग चेंज नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है सो दिस इज़ अबाउट द टू टाइप्स ऑफ What two types of routing tables? Okay, and these three are the basic entities that are used in routing tables. Okay, I hope you understand. Thank you.